गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट मैथ्स चैप्टर 12 ज्योमेट्री। इन दिस चैप्टर वी शुड सी द शेप्स। आई एम ए ट्राइंगल, आई हैव थ्री साइड, दिस इज अ शेप ऑफ ए ट्राइंगल। आई एम ए स्क्वायर, आई हैव फोर साइड्स। आपको पता है ये स्क्वायर है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, इस सभी की सभी फोर साइड्स इक्वल हैं। आई एम ए रेक्टेंगल, आई हैव फोर साइड्स, 1 2 3 4, फोर साइड्स हैं, टू लॉन्ग एंड टू शॉर्ट, टू लॉन्ग साइड एंड टू शॉर्ट साइड। वो कहीं भी हो सकती हैं किसी साइड पे, बट जो अपोजिट साइड्स हैं आपकी वो इक्वल होंगी। ये साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल। आई एम ए सर्कल, आई एम राउंड इन शेप, आई हैव नो साइड्स। दिस इज अ सर्कल, दिस इज राउंड एंड दिस हैज नो शेप। इसकी कोई शेप नहीं होती, सर्कल होता है, इसकी कोई साइड नहीं होती है। सॉरी, शेप इसकी राउंड होती है बट इनकी कोई साइड नहीं होती। नेक्स्ट, अब सर्कल से रिलेटेड जो जो हमारी चीज़ें होती हैं हमने देखी हैं, जैसे कि ये है आपका क्लॉक, क्लॉक, कॉइन, ऑरेंज स्लाइस, ये है सर्कल की शेप। ट्रायंगल की शेप में नैपकिन, पिज़्ज़ा स्लाइस, वाटरमेलन स्लाइस, दिस इज द शेप ऑफ ए ट्रायंगल। स्क्वायर, कैरम बोर्ड, लूडो बोर्ड, चेस, दिस इज द शेप ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल, चॉकलेट, ये जो चॉकलेट की शेप है ये है आपकी रेक्टेंगल। मिरर, बिस्किट, दिस इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट है आपका कलर द स्क्वायर विद रेड, रेक्टेंगल विद ब्लू एंड सर्कल विद ग्रीन एंड ट्रायंगल विद पिंक कलर। आपको पता है ये कौन सी शेप है? स्क्वायर। तो आपको इसको कौन सा कलर करना है? रेड। सर्कल, ग्रीन, रेक्टेंगल ब्लू, ट्राइंगल पिंक। सर्कल ग्रीन, ट्राइंगल पिंक, ट्राइंगल पिंक, स्क्वायर रेड, सर्कल ग्रीन, ट्राइंगल पिंक, रेक्टेंगल ब्लू एंड स्क्वायर रेड। क्लियर? नेक्स्ट, मैच द सेम शेप्स विद देयर नेम्स। जो जो शेप्स हैं उनको उनके नेम के साथ मैच करना है आपको। सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल। ये आपके लिए एक्टिविटी है। कलर द शेप, कलर द पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द देयर कोड। जो आपको कोड दिया गया है, जो आपको कलर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको कलर करने हैं। ट्राइंगल ब्लू कलर, सर्कल रेड, स्क्वायर ग्रीन एंड रेक्टेंगल येलो। इसमें से आपको फाइंड आउट करना है और वो कलर आपको इसके अंदर फिल करने हैं। नेक्स्ट है आपका सॉलिड शेप्स। एनीथिंग दैट हैज अ शेप एंड टेक्स अप स्पेस इज कॉल्ड अ सॉलिड। कोई भी चीज़ जिसकी शेप होती है और वो स्थान घेरती है, यानी किसी जगह पर कुछ स्पेस लेती है, उसको हम सॉलिड बोलते हैं। ए सॉलिड हैज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी होती है। ए डाइस शेप्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए क्यूब। ये डाइस शेप ऑब्जेक्ट, इसको हम क्यूब बोलते हैं। इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं एंड 6 इक्वल साइड्स होती हैं। नेक्स्ट है आपका क्यूबॉइड। अ बुक इज कॉल्ड ए क्यूबॉइड। इट हैज इट्स अपोजिट साइड्स इक्वल। इट ऑल्सो हैज 6 फेसेस। जैसे आपकी कोई बुक है, वो आपकी क्यूबॉइड की शेप में है, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और उसकी 6 साइड्स होती हैं। नेक्स्ट है आपका कैंडल। ए कैंडल इज सिलेंड्रिकल इन शेप। ए कैंडल जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में है। इट हैज 3 फेसेस, के 3 फेस हैं। एन ऑब्जेक्ट हैविंग बोथ सर्कुलर एंड रेक्टेंगल शेप इज कॉल्ड कोन। वो ऑब्जेक्ट जिसका सर्कुलर
और ट्रायंगल दोनों शेप होता है उसको हम कौन बोलते हैं, ये इसका ट्रायंगल शेप है और ये इसका सर्कुलर शेप है। ए बॉल लाइक शेप्स इज कॉल्ड स्फीयर, इट हैज ओनली वन फेस, इसका वन फेस होता है क्योंकि आप घुमाओगे तो इसका एक ही स्पेस बन जाएगा, फेस हो जाएगा, तो इसके नो एजेस नो कॉर्नर्स। ये है हमारा स्फीयर, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर। अब आपको दो दो एग्जांपल देने हैं, और क्यूब, क्यूब के दो एग्जांपल डाइस, आइसबॉक्स, आइस क्यूब और बॉक्स, स्फीयर, बॉल, ग्लोब, ऑरेंज, मार्बल्स, कॉन, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा स्लाइस, बर्थडे कैप, क्यूबॉइड, चॉक बॉक्स, बुक, ब्रिक, सिलेंडर, कैंडल, पाइप, बकेट, लिपस्टिक। ये है आपके सिलेंड्रिकल शेप। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट है आपका यहाँ पे चैप्टर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ शेप्स। थैंक यू।